हमारा पार्टी जिंदाबाद, 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 बैकबेंचर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे तुम लोग क्या खा पी के नहीं आए हो क्या? ऐसा क्यों बॉस? हम लोग तो पूरा दबा के आए हैं। तो फिर बातों के अंदर वजन क्यों नहीं है? ऐसे हमें वोटर वोट देगा? जोर से, जरा ताकत से चिल्लाओ, अंदर का आग निकल के बाहर आना चाहिए, ऐसे चिल्लाओ तभी वोट मिलेगा, ठीक है? इस बार और गलती होना नहीं चाहिए, नहीं तो सबका दारू और बिरयानी का पैसा काट लूंगा। ओके बॉस, ओके बॉस, इस बार और गलती नहीं होगा। जोर से बोलो, बैकबेंचर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वाली चुनाव जीतेगा कौन? हमारे अलावा और कौन? और कौन? जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फिर जोर से बोलो, बैकबेंचर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी की जय हो, जय हो, जय हो। हमारा पार्टी जिंदाबाद। नमस्ते भैया, नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब। लेकिन आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप? अरे भाई साहब, बहन जी, पहचाना नहीं, मैं आप लोगों के विधायक। ओ, आप विधायक हो? ओ विधायक जी नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के थोड़ा फिक्र था, इसलिए मैं पूछने आया, आप कैसे हो? हम लोग बस जिंदा है, थैंक यू विधायक जी हमें जिंदा रखने के लिए, थैंक यू। अरे बहन जी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। तो बस इस बार भी मुझे वोट दे देना और खुशी खुशी जीवन का मजा लो, जिंदा रहो, जिंदा रह के। और एक चीज भाई साहब, पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, रास्ता घाट चाहिए, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? क्या बोला, क्या बोला? खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, एक मोर आया। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। हमारा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैकबेंचर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं उते दिल चोर आया, मैं उते दिल चोर आया। अरे ऑटो वाले भाई साहब, लगता है बहुत खुश हो आप। विधायक जी खुश क्यों नहीं होंगे, आपके जैसे विधायक जो हमें मिला है। और बताओ सब कुछ ठीक है ना? रास्ते का कुछ उन्नयन हुआ क्या? पहले से रास्ता बेहतर हुआ क्या, बोलो ना जी। हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले से बढ़िया है, और रास्ते घाट क्या बोलो, इतना डेवलप्ड हुआ क्या बोलो। रास्ते के बीच जो गड्ढे थे उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसका सॉल्यूशन तो बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हुआ। पहले रोड के ऊपर गड्ढे थे, अब गड्ढे के ऊपर रोड है, बहुत अच्छा। थैंक यू हम लोगों का इस उन्नयन के लिए। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, बस वोट मेरे खाते पे होना चाहिए। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। अगर फिर से कोई जरूरत पड़े तो प्लीज पार्टी ऑफिस में फोन कर देना, जल्दी मिलता हूँ अगले चुनाव के पहले। नमस्कार हमारे प्यारे देश का यूथ और मेरा प्यारे युवा वोटर। नमस्कार विधायक जी, वोट का नजदीक आ गया, जिसके लिए आपको सड़कों के ऊपर उतर आना पड़ा। बस इसी कारण के लिए मैं देश के युवाओं को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मेरे युवा साथियों, वोट नजदीक आ गया। मंत्री जी बताइए, हम लोग आपके क्या सहायता कर सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आज तो मैं आप लोगों को सहायता करूँगा। बोलो आपका जो जो डिमांड है बोलो, मैं पूरा फुलफिल करूँगा, बोलो। डिमांड तो हम लोगों का बहुत सारा है। पहला डिमांड ये है कि आप कॉलेज में मिड डे मील चालू करो, और मिड डे मील में होना चाहिए बिरयानी। और दूसरा डिमांड ये है कि जब किसी लड़के के साथ हम किसी होटल के अंदर फंस गए तो बस पुलिस का कुछ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मेरे बात? पूरा पूरा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा, बस इतना ही। और आपको सरकारी नौकरी, जॉब टॉप कुछ? अरे सर जी, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब, इसके लिए हम लोग टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमारे जेब में बहुत पैसा है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी पढ़ाई करने से सिर्फ नहीं मिलती, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए सरकारी नौकरी खरीदने के लिए। वाह बहुत खूब, माशाल्लाह, बस इसीलिए तो मैं देश के युवा को बहुत सारा प्यार करता हूँ। बस मुझे वोट दे देना, मुझे वोट दे के जीता देना, ठीक है? अरे सर जी, टेंशन कहीं को लेने का, बताया ना वोट आपको ही देंगे,
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस दो डिमांड जो किया वो प्लीज फुलफिल कर देना, ठीक है? हमारे वोट आपके नाम पे। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। हमारे पार्टी का गैंग लीडर। यस बॉस। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली। यस बॉस। इस टाइम मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यस बॉस। चूचा जल्दी से काम करो। यस बॉस। मैं अभी करता हूं। एक अच्छा सा गरीब फैमिली को ढूंढो, उसके घर हमें आज खाना खाने जाना है, ठीक है? यस बॉस। लेकिन खाना वगैरह 5-स्टार होटल से ही ले आना। यस बॉस। मुझे गरीब लोगों से थोड़ा एलर्जी है। यस बॉस। लेकिन इससे पहले मीडिया को जरूर बुला लेना, क्योंकि मैं गरीब के घर खाना खाने जा रहा हूँ, उसके घर पे बैठ के मैं खाना खाऊंगा। ये मुझे कल के न्यूज के ऊपर हाईलाइट चाहिए, क्योंकि इससे हमें सिंपैथी मिलती है। यस बॉस। मैं अभी करता हूँ।